रहीम, इंसान तो इंसान रहे, हमारी शरीयत ने, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को गाली देने से भी मना फरमा दिया है। हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुबुद्दी का मुर्गा जो होता है, आपने फरमाया इस मुर्गे को भी बुरा भला ना कहा करो, इस मुर्गे को भी गाली न दिया करो। क्यों? उसकी वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु यूक़िदु लिस्सलाते, ये तुम्हें, ये इंसानों को नमाज के लिए बेदार करता है। यानी मुर्गे के अंदर यह खूबी है कि इंसानों को नमाज के लिए, नमाज से मुराद फजर की नमाज है या तहज्जुद की नमाज है, तो नमाज के लिए ये मुर्गा इंसानों को बेदार करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गे को बुरा भला कहने से मना कर दिया गया है। आज हम जिस दौर के अंदर जी रहे हैं, ये तो ज़ाहिर जदीद दौर है, इसके अंदर हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं, अलार्म वाली चीज़ें मौजूद हैं, मोबाइल लोगों के पास मौजूद हैं। पहले ज़माने में ये चीज़ें मफकूद होती थी तो लोगों ने घरों के अंदर ये मुर्गे रखे होते थे, खुद सहाबा इकराम ने मुर्गे रखे होते थे और मुर्गे की बांग के ऊपर वो नमाज के लिए और तहज्जुद के लिए जागते थे। इसी तरह जब लोग सफ़र के लिए निकलते थे तो साथ मुर्गा ले लेते थे, मुर्गा उनको तहज्जुद के लिए और फजर के लिए जगाया करता था। तो इसके अंदर ये एक खूबी मौजूद है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अज़ियत देने से और इसको बुरा भला कहने से मना फरमाया। इस हदीस की तशरीह के अंदर हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया है। वो फरमाते हैं कि जब जानवर के अंदर एक खूबी मौजूद होने की वजह से उसको बुरा भला कहने से मना करती है हमारी शरीयत, तो फिर एक मोमन और मुसलमान को बुरा भला कहने की हमारी शरीयत कैसे इजाज़त दे सकती है जिसके अंदर ढेर सारी खूबियाँ मौजूद होती हैं। यानी जानवर के अंदर तो एक खूबी है, उस एक खूबी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर को बुरा भला कहने से मना फरमा दिया। दूसरी तरफ इंसान है, मुसलमान है, मोमिन है, हमारा भाई है, उसके अंदर क्या एक भी खूबी नहीं होगी? नहीं, हम देखने वाले बने, हम खूबियों पर नज़र रखने वाले बने। हमारी आदत है खामियों पर नज़र रखना, हम खूबियों के ऊपर नज़र रखने वाले बने तो यकीन जानिए हर इंसान के अंदर एक नहीं ढेर सारी खूबियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। तो जब ढेर सारी खूबियों का इंसान मालिक होता है तो उसको बुरा भला कहने की शरीयत कैसे इजाज़त दे सकती है? तो इस हदीस से ये हमें ये इशारा मिलता है कि जिस चीज़ के अंदर भी इंसान के लिए कोई ना कोई फ़ायदा हो, जिस चीज़ के अंदर भी, चाहे वो इंसान है, वो जानवर है या कोई और चीज़ है, जिस चीज़ के अंदर भी इंसान को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो, उस चीज़ का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए और उसका ख्याल करना चाहिए, ना उसको ज़ाय करना चाहिए और ना उसको अज़ियत पहुँचानी चाहिए, ना उसको बुरा भला कहना चाहिए।